सैमसंग गैलेक्सी M52। जी हाँ, सैमसंग गैलेक्सी M52 जल्द ही आपको देखने को मिलेगा इसी सितंबर में, यानी कि जब भी शुरू होगा आपको देखने को मिल जाएगा। तो सैमसंग बिल्कुल जो है कस्टमर को कंफ्यूज करने पर लग गया है, क्योंकि सैमसंग का अब शायद ही कोई नंबर होगा जो कि बचा होगा। M52, A42, A51 जितना भी सीरीज था सारा डाल दिया गया है। सैमसंग गैलेक्सी M52 जब इस फ़ोन का अनाउंसमेंट हुआ तो हमें लगा कि ये फ़ोन इंडिया में लॉन्च हो चुका होगा, सैमसंग गैलेक्सी M52, बट नहीं लॉन्च हुआ था, A सीरीज में जाके लॉन्च हुआ था। ठीक है, तो कन्फ्यूज करके रख दिया है सैमसंग, जो भी मिलता है नंबर डाल देता है M52। ठीक है, इस बार नाम रखा गया है सैमसंग गैलेक्सी M52। क्या कमाल करता है आज की वीडियो में आपसे बात करेंगे इसी फ़ोन के बारे में, फुल स्पेसिफिकेशन आप सभी को बताऊंगा, किस प्राइस के साथ आपको इंडिया में देखने को मिलेगा और क्या कमाल कर पाता है ये फ़ोन इंडिया में, सारा डिटेल के साथ बात करूंगा। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड जाके हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को जरूर जाके फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं सैमसंग गैलेक्सी M52S से। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ इस फ़ोन का लुक और डिज़ाइन से। तो आपको जो डिज़ाइन देखने को मिलता है सैमसंग गैलेक्सी A सीरीज जैसा, ठीक है, सैमसंग गैलेक्सी A42 इस तरह से कोई फ़ोन था उसी तरह से आपको डिज़ाइन इस फ़ोन में भी देखने को मिलेगा। सैमसंग गैलेक्सी A72 था, ठीक है, इसी तरह से डिज़ाइन आपको पीछे में देखने को मिलेगा। क्वाड कैमरा का सेटअप दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो कैमरा जो शेड्यूल आता है उसमें इस फ़ोन में जो है बम्प देखने को नहीं मिल रहा है, यानी कि पूरा स्लिम सा फ़ोन है, कोई भी बम्प आपको कैमरा में देखने को नहीं मिलेगा। तो बस इसी तरह का डिफरेंस दोनों फ़ोन में देखने को मिलता है। सैमसंग गैलेक्सी A72 एंड सैमसंग गैलेक्सी M52 में बस जो है डिज़ाइन में थोड़ा चेंज किया है कैमरा में, बट कैमरा का जो डिज़ाइन देखने को मिलता है क्वाड कैमरा का सेम उसी तरह से आपको देखने को मिलता है। अब बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी M सीरीज का जो फ़ोन आता था उसमें आप सभी को पता ही होगा किस तरह का डिज़ाइन आता था, चार शेप में आता था, स्क्वायर शेप में आता था, लेकिन इस बार जो है डिज़ाइन जो उठाया गया है सैमसंग गैलेक्सी A सीरीज जैसा। ठीक है, आपको प्लास्टिक बैक में ही देखने को मिलेगा ये फ़ोन। ठीक है, अब बात कर लेते हैं डिस्प्ले आपको किस तरह का इस फोन में देखने को मिलेगा। अराउंड आपको 6.5 इंच या 6.55 इंच का आपको डिस्प्ले देखने को मिलेगा। यहाँ पर सुपर एमोलेड पैनल देखने को मिलेगा एंड यहाँ पर 120Hz का रिफ्रेशिंग रेट भी देखने को मिलेगा। तो डिस्प्ले जो है इस फ़ोन का काफ़ी धमाकेदार है। एंड डिस्प्ले के डिज़ाइन की बात को तो आपको जो देखने को मिलेगा डिस्प्ले का डिज़ाइन, वही डिज़ाइन जिस तरह का आप सभी को सैमसंग का फ़ोन में दिखाई देता है, मिनी पंच होल, ठीक है, छोटा सा आपको बिंदी टाइप दिखाई देता है बीच में ऊपर के साइड, उसी तरह का आपको डिज़ाइन देखने को मिलेगा। डिस्प्ले में यह फ़ोन काफ़ी अच्छा होने वाला है क्योंकि सुपर एमोलेड पैनल है, 120Hz का डिस्प्ले है एंड सैमसंग का फ़ोन है, तो डिस्प्ले काफ़ी अच्छा इस फ़ोन का रहने वाला है, फुल HD+ रेजोल्यूशन के साथ रहने वाला है। ठीक है, डिस्प्ले काफ़ी अच्छा है इस फ़ोन का। अब बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस प्रोसेसर किस तरह का आपको इस फ़ोन में देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पर आपको कोलकॉम स्नैपड्रैगन 778 का जो मिड रेंज वाला प्रोसेसर है वही प्रोसेसर आपको इस फ़ोन में भी देखने को मिलने वाला है। 5G प्रोसेसर है तो चिंता करने की कोई बात नहीं एंड 11 वेरिएंट को जो है सपोर्ट करता है। ठीक है, तो प्रोसेसर काफ़ी अच्छा है। परफॉर्मेंस की बात करो तो मिड रेंज जैसा परफॉर्मेंस आपको इस फ़ोन में देखने को मिल जाता है, यानी कि ये प्रोसेसर आपको 15,000 में भी देखने को मिल जाता है, बट सैमसंग का फ़ोन है तो आपको 20,000 से 25,000 में देखने को मिलेगा। प्रोसेसर की कुछ बात करो तो गेमिंग परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है, आप इस पर अच्छा से अच्छा गेमिंग कर पाएंगे और सैमसंग जो मतलब सॉरी कोलकॉम इस प्रोसेसर को कहता है मिड रेंज प्रोसेसर। ठीक है, हाई लेवल का नहीं, फ्लेक्सिबल नहीं है, मिड रेंज ही आपको देखने को मिलता है। परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है, 5G के साथ आता है, परफॉर्मेंस आपको कोई भी कमी नहीं होगा इस प्रोसेसर के साथ। कैमरा की बात करो तो आपको सेम उसी तरह का कैमरा जिस तरह से आप सभी जितना भी फ़ोन आता है उसी तरह का कैमरा आपको देखने को मिलने वाला है। 64MP का प्राइमरी कैमरा रियर में देखने को मिलेगा एंड आपको 12MP का अल्ट्रा वाइड एंगल, 5MP का आपको माइक्रो लेंस, 2MP का डेप्थ सेंसर आपको देखने को मिलने वाला है। सेल्फी कैमरा की बात को तो आपको 32MP का सेल्फी कैमरा मिलने वाला है। ठीक है, कैमरा काफ़ी अच्छा है, कोई भी चेंज आपको देखने को नहीं मिलता है। अब बात कर लेते हैं बैटरी का, तो आपको यहाँ पर 5000mAh का बैटरी इस फ़ोन में मिलने वाला है एंड चार्जिंग की बात को तो आपको या तो 15W का चार्जर देखने को मिलेगा, क्योंकि सैमसंग जो है हर समय यही करता है, या आपको 25W का दे दे, लेकिन ज़्यादा चांस आपको 15W का ही चार्जर देखने को मिलेगा। ठीक है, थोड़ा फास्ट करना चाहिए क्योंकि रियलमी रेडमी आप सभी को पता होगा 33W 65W पर आ गया, बट सैमसंग अभी भी वही 15W पर अटका हुआ है। ठीक है, थोड़ा चेंज करना ही चाहिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आपको इस फोन में क्या क्या देखने को मिलेगा। तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट मिलेगा, ठीक है, इन डिस्प्ले, ठीक है, और फेस अनलॉक तो मिलता ही सारा फोन में। 3.5mm का जो जैक देखने को मिलेगा, टाइप सी पोर्ट देखने को मिल जाएगा एंड 5G सपोर्टेड, तो ये फोन है। अब बात कर लेते हैं किस प्राइस के साथ आपको ये फोन इंडिया में फाइनली देखने को मिल सकता है। तो आपको शायद 6GB का रैम, 128GB स्टोरेज के साथ ये फोन
25 से 26 हज़ार में देखने को मिल जाए, ठीक है, ज़्यादा चांस है 25 से 26 हज़ार में आपको ये फ़ोन इंडिया में देखने को मिल जाएगा, ठीक है, इसी प्राइस के साथ आने वाला है, क्योंकि सैमसंग का फ़ोन है। और इस प्रोसेसर की बात को तो अराउंड आपको ये प्रोसेसर 15-18 हज़ार में भी देखने को मिल जाता है, बट सैमसंग के हिसाब से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 25-26 हज़ार में जो ये फ़ोन आपको देखने को मिल जाए। लॉन्च डेट की बात को तो ये फ़ोन पहला सप्ताह का जो सितंबर में देखने को मिल सकता है, ज़्यादा चांस है, ठीक है, सितंबर का पहला सप्ताह में यानी कि 7 तारीख से पहले आपको ये फ़ोन इंडिया में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। फोन काफ़ी धमाकेदार है, आप सब इंतजार कर रहे हुए हैं, तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलता है आप सबसे एक नए वीडियो के साथ।